हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लिव एंड लेट्स लर्न में। तो चलिए आज के सेशन में एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जी हाँ, करोड़ों बच्चों को इस ट्रिक से फ़ायदा हुआ है, आपको भी होगा। क्वेश्चन देखकर एक्स का वैल्यू आप निकाल पाएंगे सिर्फ 5 सेकेंडों के अंदर। सही सुन रहे हैं, 5 सेकेंड के अंदर आप एक्स का वैल्यू निकाल पाएंगे। 2 स्टेप करेंगे और उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3x + 6 / 5 = 3। ध्यान से देखिएगा, स्टेप पहला 3x है तो क्या लिखते हैं, x * 3 कर सकते हैं, इसका मल्टीपल 3x आ जाएगा +6, और इसका डिवाइड कितना है, 5 है, तो डिवाइड 5 लिखेंगे = 3। ये लाइन समझ में आ गया। चलिए अब स्टेप 2 करेंगे और इसका वैल्यू निकल जाएगा। देखिए अब चिन्ह को बदलेंगे, यहाँ 5 है लिख देंगे, डिवाइड का चिन्ह है तो क्या करेंगे, मल्टीपल का चिन्ह, 6 है लिख दिए, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस, 3 है 3 लिख दिए, और इधर मल्टीपल है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करते, देखिए 5 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो 5 × 3 जा कितना होता है, 15, और 15 में से 6 को माइनस कर दीजिए, कितना आया, 9 आ गया, और 9 में क्या कीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3 × 3 = 9 होता है, यानी एक्स का वैल्यू 3 आ गया। लीजिए आपका निकल गया, हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न को, 5x - 7 / 3 = 6। अब देखिए क्या दिया है, एक्स मल्टीपल 5 कर सकते हैं क्योंकि 5x आ जाएगा, और -7, और इसका डिवाइड कितना है, 3 है, तो डिवाइड का चिन्ह दे देंगे और 3 = कितना 6। क्लियर। अब देखिए क्या करते हैं, ये हुआ आपका स्टेप फर्स्ट, अब सेकेंड स्टेप करेंगे और इसका वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ डिवाइड का चिन्ह है तो क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा, 7 माइनस है तो प्लस हो गया, 5 मल्टीपल का चिन्ह है तो क्या होगा, डिवाइड का चिन्ह हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या करते हैं, 6 में 3 से मल्टीपल होगा क्योंकि मल्टीपल का चिन्ह है तो मल्टीपल करेंगे, 6 × 3 जा कितना होता है, 18, और 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 जा कितना होता है, 25, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। क्या दिया है, √3x / 2 = 3। रूट को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, स्क्वायर, और स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, रूट। देखिए एक्स मल्टीपल 3 और क्या है, रूट है, रूट लिख दिए, क्योंकि रूट में एक्स में 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3x हो जाएगा, और इसको डिवाइड कौन कर रहा है, 2, = कितना दिया है, 3। स्टेप फर्स्ट समझ में आ गया, अब स्टेप सेकंड करेंगे, जो चिन्ह दिया हुआ है उसको बदल लेंगे, यानी जहां भाग होगा वहां पे गुना हो जाएगा, जहां प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा, जहां मल्टीपल होगा वहां पे डिवाइड हो जाएगा। समझ गए, सेकेंड स्टेप में यही करना है, तो यहाँ 2 है लिख दिए, डिवाइड का चिन्ह है तो मल्टीपल हो जाएगा, रूट है तो स्क्वायर हो जाएगा, और 3 है 3 लिख दिए, यहाँ पे मल्टीपल है तो क्या किए, डिवाइड का चिन्ह दे दिए। अब इसको देखिए मल्टीपल करेंगे, 3 × 2 = 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 36 में 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, यानी x = 12। हो गया कंसेप्ट क्लियर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, √x² + 9 + 5 = 10। स्टेप फर्स्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, √x² + 9 √+5 = 10 लिख सकते हैं, क्योंकि √x² है तो √x² हो गया, प्लस में 9 है तो 9 लिख दिए, और इसका रूट है तो रूट लिख दिए, +5 = 10 हो गया। अब सेकेंड स्टेप देखिए, 5 है तो 5 लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, रूट है तो स्क्वायर, 9 हो गया, अब प्लस है तो माइनस, और √x² है तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 10 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25, 25 में 9 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 16, और 16 का रूट कितना होता है,
4 होता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। हो गया कंसेप्ट क्लियर, समझ में आ रही है? तो वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, रूट 5x-1/2 मल्टीपल 6=9। स्टेप फर्स्ट करते हैं, x मल्टीपल 5-1 रूट कर सकते हैं, और मल्टीपल में क्या हो जाएगा 6, इसको डिवाइड कितना से कर रहा है 2 से, =9। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब सेकेंड स्टेप करेंगे और आपका वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। यहाँ 2 है 2 लिखेंगे, डिवाइड का चिन्ह है तो मल्टीपल 6 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, रूट है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस है तो प्लस, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ मल्टीपल का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इसको मल्टीपल करेंगे, 9 2 जो कितना होता है 18, और 18 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, और 9 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 10, और 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा। लीजिए आपका निकल गया। हो गया कंसेप्ट क्लियर? आपको बताते हैं कि इस ट्रिक का फायदा क्या है, आप इस ट्रिक को अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, यूज कहाँ कर सकते हैं। तो यह जो ट्रिक बनाई गई है, इसका उपयोग आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग के लिए, HTET के लिए, TET के लिए, UPTET के लिए, CGL के लिए, और SSC के लिए, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन लाइन में इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और आसानी से एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपको एजुकेशन लेना है और ट्रिकी के माध्यम से आपको क्वेश्चन को सीखना है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो इतना ही पे समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।